नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित पिलानी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ महाभारत की कुछ स्टोरीज शेयर कर रहा हूं, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सुनी होंगी। लेकिन कैसे एक सेल्स पर्सन इन स्टोरी से लर्निंग ले सकता है, कैसे इस लर्निंग को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है, कैसे अपने सेल्स करियर में ग्रो कर सकता है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली स्टोरी है अर्जुन और चिड़िया की आंख की। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य जो कि कॉमन गुरु थे पांडवों के और कौरवों के, उन्होंने एक टास्क दिया टू एम एट द आई ऑफ ए टॉय बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। जब गुरु ने दोनों से, पांडवों से और कौरवों से पूछा कि उन्होंने क्या देखा, तो अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने बोला कि हमको दिखा आसमान, चिड़िया, पेड़, ब्रांचेस, लीव्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सिर्फ अर्जुन ही एक ऐसा इंसान था जिसने ये बोला कि मुझे दिखाई दिया बर्ड और उसकी ब्लैकनेस ऑफ द आई। और यह एक ऐसा मोमेंट था जब गुरु द्रोणाचार्य ने सिर्फ अर्जुन को ही चांस दिया शूट करने के लिए, और जो कि हम सभी जानते हैं कि अर्जुन ने एकदम चिड़िया की बीचों बीच आंखों में शूट किया। दोस्तों, दूसरी स्टोरी है अभिमन्यु और कौरवों के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह की। ऐसा बताया जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी मदर के पेट में थे, ही लर्न हाउ टू ब्रेक द चक्रव्यूह। महाभारत की लड़ाई के 13th डे 16 ईयर ओल्ड अभिमन्यु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक द चक्रव्यूह, जो कि अभिमन्यु ने बहुत सक्सेसफुली ब्रेक किया था। बट अनफॉर्चुनेटली अभिमन्यु नॉट लर्न हाउ टू एग्जिट, सो ही गॉट किल्ड। बट बिफोर ही गॉट किल्ड, ही हैड गिवन ग्रेट फाइट एंड किल्ड मेनी ग्रेट वॉरियर्स ऑफ अपोजिशन साइड। दोस्तों, आज की थर्ड स्टोरी है एकलव्य एंड द्रोणाचार्य की। एकलव्य एक बालक जिसको तीरंदाजी सिखाने से गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, क्योंकि वह एक पिछड़ी जाति से बिलोंग करता था। गुरु के मना करने के बाद एकलव्य ने क्ले से गुरु की प्रतिमा बनाई और तीरंदाजी सीखना शुरू किया, और वह तीरंदाजी में बहुत परफेक्ट हो गया था। एक दिन व्हेन एकलव्य वाज प्रैक्टिसिंग गॉट डिस्टर्ब बाय अ डॉग, ही शॉट एन एरो इन डॉग्स माउथ टू शट अप विदाउट हर्टिंग इट। और जब यह बात गुरु द्रोणाचार्य को पता चली, तो उनको लगा कि उनके शिष्य अर्जुन से अच्छा भी आर्चर कोई है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के बहाने एकलव्य से उसका राइट थंब मांग लिया। यह जानते हुए भी कि थंब देने के बाद ही विल नेवर बी एबल टू शूट अगेन, एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे अपना दाहिने हाथ का अंगूठा कट करके गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में पेश कर दिया। और ऐसा करने से उसने यह साबित किया कि ही वॉज दी आइडल स्टूडेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो की लास्ट स्टोरी है किंग शिबी की, जो कि अपनी ट्रूथफुलनेस, लीगली करेक्ट और अपने वर्ड्स पर रहने वाली जैसी क्वालिटीज के लिए जाने जाया करते थे। वन डे गॉड अग्नि एंड गॉड इंद्र डिसाइडेड टू चेक दीज क्वालिटीज। गॉड इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और गॉड अग्नि ने एक कबूतर का। एक दिन जब राजा शिबी पूजा कर रहे थे, तो एक घायल कबूतर उनकी गोद में आकर गिरा और पीछे पीछे एक बाज राजा के सामने आकर बैठ गया। बाज ने कहा, राजा, आप हमेशा अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं, यह कबूतर मेरा भोजन है, इसे मुझे दे दीजिए। इस पर राजा बोले कि अब यह कबूतर मेरी शरण में आया है, तो यह कबूतर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम किसी और प्राणी के मांस खा लो। तो इस पर बाज ने कहा, राजन, मैं सिर्फ मांस ही खाता हूं, आप बताइए कि अगर इस कबूतर का नहीं, तो फिर मैं किस प्राणी का मांस खाऊं। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने कहा कि कबूतर का मांस तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, अपने राज्य के किसी और प्राणी का मांस भी देना मेरे लिए उचित नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम तो मेरा ही मांस खा लो। इस पर बाज ने कहा कि एक साधारण से कबूतर के बदले आप अपने प्राण, अपना मांस मुझे देने के लिए आप राजी हो गए। इस पर राजा ने बोला
कि अगर मेरे मरने से किसी और की जान बच रही है तो इससे उचित मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही राजा ने यह कहा, दोनों इंद्र भगवान और अग्नि भगवान अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने राजा की बहुत बड़ाई की। तो दोस्तों, यह थी महाभारत से ली हुई कुछ कहानियां। तो क्या यह कहानियां सेल्स पर्सन की लाइफ से लिंक या कंपेयर की जा सकती हैं? जी हां, जरूर की जा सकती हैं। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि इन कहानियों में कोई भी सेल्स पर्सन क्या लर्निंग ले सकता है और कैसे ले सकता है। दोस्तों, फर्स्ट लर्निंग इज बी फोकस्ड एंड यू विल ऑलवेज सक्सीड। सेकेंड, अ टीचर कैन गाइड यू, इंस्पायर यू, बट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। थर्ड इज ऑलवेज कीप गुड कंपनी, बैड कंपनी विल ऑलवेज ब्रिंग योर डाउनफॉल। फोर्थ इज डोंट गिव अप अर्ली, फाइट फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव। फिफ्थ लर्निंग इज डोंट अप्लाई हाफ लर्न नॉलेज टू योर एक्शंस, इट विल ओनली लीड यू टू फेलियर। सिक्स्थ लर्निंग इज डोंट सपोर्ट रॉन्ग एक्ट्स ऑफ योर क्लोज वंस, इट विल ब्रिंग ट्रबल टू यू एज वेल। सेवेंथ लर्निंग इज गुड रिलेशनशिप विल ऑलवेज हेल्प यू टू अचीव डिजायर्ड टारगेट्स। एट्थ लर्निंग इज ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद योर कस्टमर्स, वन रॉन्ग कमिटमेंट विल लीड टू परमानेंट एंड ऑफ बिजनेस। नाइन्थ लर्निंग इज गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिशन विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर सेल्स। एंड द लास्ट इज एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स रिक्वायरमेंट विल हेल्प यू टू शोकेस योर प्रोडक्ट इन बेस्ट वे। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी लर्निंग्स फ्रॉम द ग्रेट महाभारत जो कि कोई भी सेल्स पर्सन अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके सक्सेस की ऊंचाइयों तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो को एंजॉय किया हो तो एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और याद रखिए दोस्तों, मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।